आज दिनांक 14 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा शिवपुर कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और सदस्यों को प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश के क्रम में आवश्यक बैठक प्राथमिक विद्यालय बरदहा बाजार के प्रांगण में आहूत हुई, जिसमें संगठन के पदाधिकारी और शिक्षक सम्मिलित हुए। बैठक की अध्यक्षता मोहम्मद जुबेर ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा किया गया तथा पर्यवेक्षक के रूप में जिला अध्यक्ष श्री आनंद पाठक एवं जिला संगठन मंत्री श्री जय सुखलाल मिश्र जी उपस्थित रहे। कार्यकारिणी की बैठक में शिक्षक समस्याओं को उठाया गया। बैठक में 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली, आकांक्षी जनपद में ट्रांसफर, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, उपार्जित अवकाश, राज्य कर्मचारियों की भात ACP लाभ, मृतक आश्रितों की शिक्षक पद पर नियुक्ति, दिवंगत हुए शिक्षा मित्र और अनुदेशक के आश्रित की नौकरी, रसोईया मानदेय बढ़ोतरी की मांग और परिचर्चा की गई। साथ ही बताया गया कि प्रदेश के किसी भी विद्यालय में विभाग द्वारा कोई भी लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन तथा इंटरनेट उपलब्ध नहीं कराया गया, इसके बावजूद भी प्रदेश के शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण लेने तथा सूचनाएं भेजने के लिए विवश किया जा रहा है। ऑनलाइन कार्य की अनिवार्यता पर रोक लगाई जाए। सरकार शिक्षकों और कर्मचारियों की कोई मांग नहीं मान रही है, साथ ही बार बार एस्मा लगाकर शिक्षकों के आंदोलन के राह में बाधा डाल रही है। यदि सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है तो भविष्य में शिक्षक कर्मचारी आंदोलित होंगे। शिक्षक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लगातार अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। इससे शिक्षकों और कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। पर्यवेक्षक जी द्वारा आह्वान किया गया कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षक ट्विटर मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े और सरकार से अपनी मांग रखें। यदि सरकार हमारी मांगों पर नहीं विचार करती है तो हम लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मोहम्मद जुबेर ब्लॉक अध्यक्ष, योगेश त्रिपाठी ब्लॉक मंत्री, धर्मवीर भारती ब्लॉक कोषाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक संघ शिवपुर बहराइच। हमारे संवाददाता जैद मलिक की रिपोर्ट। और उसमें वो लगा कर सकते हैं, इसलिए हमने उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले और डॉक्टर दिनेश चंद शर्मा या हमारे जो जनपद के अध्यक्ष मंत्री, ये लोग जो हैशटैग दें उसको हैशटैग करके उसको ट्वीट करें, आपके आदेशों का पालन करें और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ को और इस संगठन को मजबूत बनाने में अपना योगदान करें, यही हमारी आपसे आशा है और पूरा विश्वास है कि आप हमारा सहयोग करेंगे। अपनी बातें बहुत लंबा न करके, क्योंकि हमारे यहाँ मीटिंग 2 बजे से पहले लोग आ गए।